कि सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना, पैसा लेके भाषण देना और पैसा लेके राज्यसभा के चुनाव में वोट देना या लोकसभा में वो पैसा। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है और 7 जजों ने एकमत होकर कहा है कि सांसदों और विधायकों के द्वारा पैसा लेके सवाल पूछना, पैसा लेके भाषण देना और पैसा लेके राज्यसभा के चुनाव में वोट देना या लोकसभा में वो पैसा लेकर वोट देना, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार माना जाएगा, करप्शन का केस माना जाएगा और ब्राइबरी के अंतर्गत इसमें मुकदमा दर्ज होगा। मामला पहले भी आ चुका है, जब नरसिम्हा राव सरकार अल्पमत में थी उस समय नोटों की गड्डियां लहराई गई थी और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जब 5 जजों में से 3 जजों ने ये कहा कि चूंकि जो नोटों की गड्डियां लहराई गई हैं, जो कैश हुआ है, कैश का लेन देन हुआ है वोटिंग के लिए, वो पार्लियामेंट में हुआ है, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। उस समय भी 2 जजों ने कहा था कि नहीं, नोटों अगर पैसा लेन देन हुआ है, चाहे वो संसद में हुआ या विधानसभा में, मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन 2 जज कम हुए, माइनॉरिटी थे, 3 जज मेजॉरिटी थे। तो उसके बाद से आज तक जितने भी ऐसे केस आए, कभी भी सांसद विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब आज 7 जजों की बेंच ने एक मत से कह दिया है कि कोई भी सांसद अगर पैसा लेके सवाल पूछता है संसद में, पैसा लेके स्पीच देता है संसद में या पैसा लेके संसद में वोटिंग करता है, तो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं रहेगी, कोई विशेषाधिकार नहीं रहेगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसी तरीके से कोई विधायक पैसा लेके सवाल पूछेगा, पैसा लेके राज्यसभा में वोटिंग करेगा, पैसा लेके विधानसभा में वोटिंग करेगा या पैसा लेके किसी के पक्ष में कोई स्पीच देगा, तो उसके खिलाफ भी ब्राइबरी का मुकदमा चलेगा। जैसे तहसीलदार या पेशकार या हवलदार थानेदार के खिलाफ मुकदमा चलता है, वैसे ही एमएलए एमपी के खिलाफ भी चलेगा। एमएलए एमपी की जो इम्यूनिटी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो संविधान में सांसद और विधायक को विशेषाधिकार दिया हुआ है, वो अच्छी स्पीच देने के लिए बन दिया हुआ है, वो फ्री स्पीच के लिए दिया हुआ है, वो संसद और विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने के लिए दिया हुआ है, वो भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं दिया हुआ है। लेकिन उस संविधान के प्रावधान का जो उनको विशेषाधिकार दिया हुआ था, उसका अभी तक गलत उपयोग होता रहा। महुआ मित्रा के केस में ये हुआ कि महुआ मित्रा का जब केस ये प्रूव हो गया कि उन्होंने पैसा लेके सवाल पूछा है, तो उनको सस्पेंड तो कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन महुआ मित्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस नहीं शुरू हुआ, महुआ मित्रा के खिलाफ ब्राइबरी वाला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब इस फैसले के बाद महुआ मित्रा के खिलाफ ब्राइबरी का मुकदमा भी चलेगा। या सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन के परिवार की थी, जो ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था, उसमें सीता सोरेन ने पैसा लिया राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए, लेकिन बाद में जब पकड़ी गई तो उन्होंने अपना विशेषाधिकार का हवाला दिया, तो अब उनका भी जो मुकदमा है वो कोर्ट में जाएगा और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो मुकदमा है, उसमें विशेषाधिकार का जो उनकी ढाल थी, वो अब खत्म हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एमएलए एमपी के द्वारा पैसा लेना, ये डेमोक्रेसी के लिए पॉइजन के समान है, डेमोक्रेसी के लिए कैंसर के समान है, इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब अच्छी बात यह है कि सांसदों विधायकों के लिए पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनी हुई है, 350 से ज़्यादा सांसदों विधायकों को सजा भी हो चुकी है, आजम खां को ही, अब्दुल्ला आजम को ही, मुख्तार अंसारी को ही, अफजाल अंसारी को ही, अतीक अहमद को ही, अशरफ अहमद को ही, तो 350 सांसदों विधायकों को सजा हो चुकी है। लेकिन जो ब्राइबरी वाला केस था वो चलता नहीं था, इस फैसले के बाद ब्राइबरी का केस भी चलेगा और ब्राइबरी का केस भी एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो साल भर के अंदर इसका भी फैसला होना शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में सांसद और विधायक पैसा लेके सवाल पूछने, पैसा लेके स्पीच देने और पैसा लेके वोटिंग करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमे का रास्ता खोल दिया है।